हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोस में हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक यहाँ पर आप देखेंगे रिबन में एक ऑप्शन है रिव्यू का। जब आप यहाँ रिव्यू पर क्लिक करते हैं तो रिव्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स राइट साइड में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है हमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या है फ्रेंड्स और ये एमएस वर्ड पर कब यूज किया जाता है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब क्या है कि इस पैराग्राफ के अंदर मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ को और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस देखो इस पैराग्राफ का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से कलर भी चेंजेस कर सकता हूँ, जो भी कलर मुझे दूसरा चाहिए होगा कलर मैंने चेंज कर लिया, इसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ तो सारी चीजें देखिए मैं यहाँ से इजिली कर ले रहा हूँ। जैसे मुझे डिलीट करना है, डिलीट दबाता हूँ, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हो जब कभी भी आप कोई भी डाटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्ड पर तैयार करो और यो डाटा जो है वो दूसरे किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ विजुअल रहे, मतलब कि वो दिखाई दे कि आपने क्या काम कर रखा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एडिटिंग ना कर सके, ना उसका कोई कलर चेंज कर सके, ना डिलीट कर सके, ना वहां पर उस टेक्स्ट को हटा के कोई दूसरा टेक्स्ट लिख सके, मतलब सिर्फ पढ़ सके कि क्या किया है आपने, ठीक है, कोई चेंजेस ना कर सके। तो ऐसे टाइम में आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का यूज करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर किस तरीके से लगाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी और आप उन वीडियोस को देखकर और भी बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने अपने इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ कितनी वीडियोस डाल रखी है और कितनी जरूरत और नीडी वीडियोस हैं। जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियोज में आगे जो भी है, ठीक है। फिलहाल हम अपना स्टार्ट करते हैं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स कैसे यूज करना है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपना डाटा तैयार कर लीजिए, जैसे मैंने डाटा तैयार कर रखा है अपना, और अब मुझे सिंपली यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके सबसे ऊपर वाला जो हमारा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपली करना ये है कि जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है अलाउ ओनली दिस टाइप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो बाकी के जो डिसेबल हो रखे थे ऑप्शन ये हमारे क्या हो गए, अनेबल हो गए। और यहाँ पर लिखा रहा है यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जब देखिए फ्रेंड्स हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है कि आप वो पासवर्ड डालिए जिसकी वजह से ये शीट के अंदर कोई भी एडिटिंग या चेंजेस नहीं होगी। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 123 डाल देता हूँ और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो मैंने ओके कर दिया फ्रेंड्स। अब देखिए मैं ओके करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से होम पर आ गया। अब देखिए ये सारे ऑप्शन जितने भी हैं चेंजेस वाले ये सारे देखिए यहाँ से डिसेबल हो गए हैं, मतलब अब इसके अंदर ना तो ये कोई डिलीट होगा, ना ये बोल्ड होगा, ना कलर चेंज होगा, ना एडिट होगा, मतलब कोई भी चेंजेस जो है अब हम अपनी शीट्स के अंदर नहीं कर सकते। अपने इस डाटा को जो भी हमने तैयार किया है इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ अब ये विजुअल रहेगा, आप इसे सिर्फ देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या कर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली यही यूज है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का फ्रेंड्स। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो आप कर लो, तो उसके लिए सिंपली आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है और अगेन वहां पर 1 2 3 जो भी आपका पासवर्ड है चुपचाप वहां वो डाल देना है। और डालने के बाद सिंपली आपको देखिए हटा के अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करके आप यहाँ से देखिए इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो ये आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन करके कर सकते हैं इजीली फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में नीचे आकर अपने डाउट्स और क्वेश्चन को बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज के साथ।